फ्रेंड्स मैं अख्तर अली और इस वीडियो में हम फंडामेंटल राइट्स के पार्ट टू वीडियो पे जाते हैं इसमें हम आर्टिकल uh, नाइनटीन से आर्टिकल ट्वेंटी टू को डील करेंगे आर्टिकल नाइनटीन से ट्वेंटी टू को हम राइट टू फ्रीडम के अंडर डालते हैं राइट टू फ्रीडम के अंडर ये ये चारों आते हैं आर्टिकल नाइनटीन ट्वेंटी ट्वेंटी वन ट्वेंटी वन ए और ट्वेंटी टू सो आर्टिकल नाइनटीन जो है प्रोटेक्शन ऑफ सिक्स फ्रीडम्स है आर्टिकल ट्वेंटी प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंसेज प्रोटेक्शन आर्टिकल ट्वेंटी वन प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल ट्वेंटी वन ए राइट टू एजुकेशन आर्टिकल ट्वेंटी टू प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस सो इन इन चार राइट्स uh, को सिक्वेंशली याद रखने के लिए मैंने एक ट्रिक बनाई है जिसे हम आपको याद रखना होगा सिर्फ एफ ओ एल डी फोर्ड एफ फॉर फ्रीडम ओ फॉर ऑफेंसेज एल फॉर लाइफ एंड डी फॉर डिटेंशन और लाइफ का जो ई e है लास्ट पे इसको मैं जी आप एजुकेशन के साथ जोड़ सकते हो और आराम से याद रख सकते हो आगे बढ़ते हैं आर्टिकल नाइनटीन पे आर्टिकल नाइनटीन जो है हर सिटीजन को सिक्स टाइप्स ऑफ राइट्स गारंटी करता है पहला है राइट राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन राइट टू असेंबली पीसफुली राइट टू फॉर्म एसोसिएशन राइट टू मूव राइट टू रिजाइड एंड राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रोफेशन सो इनको सिक्वेंशियली आप याद रखने के लिए याद रखें सेम रिजाइड्स इन पोलैंड एस फॉर स्पीच ए फॉर असम्बली एस ए फॉर एसोसिएशन एम फॉर मूवमेंट आर फॉर रिजाइड एंड पी फॉर प्रैक्टिस सो इस तरह से आप जो है इन छः राइट्स को आराम से याद रख सकते हैं आर्टिकल जो आर्टिकल नाइनटीन है इसमें एक्चुअली सब पहले सेवन राइट्स थे लेकिन राइट टू तो प्रॉपर्टी जो है जो बाद में जो है डिलीट किया गया इन नाइनटीन सेवनटी एट अंडर फोर्टी फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट ये जो है ये छह राइट्स ये प्रोटेक्टेड है अगेंस्ट ओनली स्टेट एक्शन नॉट अगेंस्ट इंडिविजुअल्स प्राइवेट इंडिविजुअल्स जो और दूसरा दूसरी बात इसमें ये है कि ये राइट्स जो है अवेलेबल टू ओनली टू द दिटीजन एंड शेयर होल्डर्स ऑफ ए कंपनी एंड नॉट फॉरेनर्स ये फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है और फिर आते हैं आर्टिकल ट्वेंटी आर्टिकल ट्वेंटी पे आर्टिकल ट्वेंटी जो है ये ग्रांट करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट आर्बिट्री एंड एक्सेसिव पनिशमेंट टू एन एक वेदर सिटीजन और फॉरनर और ए लीगल पर्सन लाइक कंपनी और कॉरपोरेशन इसके हैं तीन प्रोविजन हैं नो एक्सपोक्ट लॉ इसका क्या मतलब है नो पर्सन शैल बी कन्विक्टी ऑफेंस एक्सेप्ट फॉर द वायोलेशन ऑफ ए लॉ इन फोर्स एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ द एक्ट और दूसरा नो पर्सन शैल बी सब्जेक्ट टू पेनल्टी ग्रेटर देन प्रस्क्राइबड बाई द लॉ ठीक है और दूसरा है इसमें आ, नो डबल जियोपाडी नो डबल जियोपाडी का मतलब है कि कोई भी शख्स दो बार एक से ज्यादा बार एक ही क्राइम के लिए punish नहीं किया जा सकता और उसके बाद है नो सेल्फ इनक्रिमिनेशन इसका मतलब है कि कोई शख्स अपने ही खिलाफ गवाह नहीं बन सकता आगे बढ़ते हैं आर्टिकल 21 पे आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ जिसे हम कहते हैं ये जो है इस आ, इस आर्टिकल के अंडर कोई भी शख्स जो है इसको डि, डि, डिप्राइव नहीं किया जा सकता डिप्राइव नहीं किया जा सकता ऑफ इज लाइफ एक्सेप्ट द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ यानी नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ इज लाइफ एक्सेप्ट बाय द प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ और ये जो है बोथ सिटीजन एंड नॉन सिटीजन के लिए अवेलेबल है सुप्रीम कोर्ट ने जो है इस आर्टिकल को बहुत सी अपनी डिसीजंस में वाइड किया हुआ है जैसे जिस इसके अंडर अब बहुत सी चीज़ें आते हैं जैसे राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी राइट टू लिवलीहुड राइट टू प्राइवेसी राइट टू शेल्टर राइट टू हेल्थ राइट टू इंफॉर्मेशन वगैरह ये सब जो है इसी के अंडर अब आते हैं अब है राइट टू एजुकेशन राइट टू एजुकेशन आपको पता होगा 2002 में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू 86 सिक्स कंस्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आया अब ये डिक्लेयर करता है कि स्टेट जो है फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन हर बच्चे को देगा जो छः से चौदह साल की उम्र का है और ये ये जो एजुकेशन ये जो फ्रीडम ऑफ एजुकेशन है ये सिर्फ अप्लाई होती है एलिमेंट्री एजुकेशन पे न कि हायर एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन पे इससे पहले आर्टिकल ये जो है आर्टिकल ट्वेंटी वन ए से पहले हमारे पास यही प्रोविजन था मगर था ये आ, अंडर आर्टिकल फोर्टी फाइव पार्ट फोर जो कि डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है अब जो इसको फंडामेंटल राइट बना के जो है अब इसमें जुडिशल इंटरवेंशन की जा सकती है स्टेट के खिलाफ अगर वो इम्प्लीमेंट ना करे जो कि पहले अवेलेबल नहीं था अब आते हैं आर्टिकल ट्वेंटी टू पे आर्टिकल ट्वेंटी टू जो है आर्टिकल ट्वेंटी टू डील करता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन और डिटेंशन दो तरह की होती है एक है पोनी डिटेंशन दूसरा है प्रिवेंटिव डिटेंशन और पोनीटू डिटेंशन तब अप्लाई होता है जब किसी जब किसी शख्स ने कोई क्राइम किया हो प्रिवेंटिव डिटेंशन तब अप्लाई होता है जब स्टेट को शक हो कि कोई शख्स जो है लॉ एंड ऑर्डर को डिस्टर्ब कर सकता है तो उसको इन एडवांस डिटेन किया जाता है सो आर्टिकल ट्वेंटी टू के दो पार्ट्स हैं इसलिए एक जो ऑर्डिनरी लॉ के साथ डील करता है और दूसरा जो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के साथ डील करता है सो so, पहला पार्ट जो है जो ऑर्डिनरी लॉ के साथ डील करता है तो इसके अंडर जो है एक पर्सन को कौन कौन से लॉ जो है राइट्स दिए जाते हैं सो राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाई ए लीगल प्रैक्टिशनर इन्हें अगर कोई शख्स Uh, कोई शख्स आर्टिकल ट्वेंटी उसको डिटेन किया जाता है अंडर अंडर एनी ऑर्डिनरी लॉ सो तो उसके क्या राइट्स राइट बनते हैं उसके राइट हैं राइट टू कंसल्ट एंड बी डिफेंडेड बाय लीगल प्रैक्टिशनर राइट टू बी रिलीज आफ्टर ट्वेंटी फोर अवर्स अनलेस द मैजिस्ट्रेट अथोराइज फॉर फर्दर डिटेंशन राइट टू बी इन्फॉर्मड ऑफ द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट राइट टू बी प्रोड्यूसड बिफोर द मैजिस्ट्रेट विद इन ट्वेंटी फोर आवर्स सो ये ये चार याद रखने के लिए आप याद रख लें सी आर आई पी क्रिप अब आते हैं आर्टिकल ट्वेंटी टू के पार्ट टू पे इसका जो सेकेंड पार्ट है जो जैसे मैंने पहले कहा वो डील करता है प्रिवेंटिशन लॉ के साथ सो so, प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ जो है ये अवेलेबल रहता है दोनों सिटीजन और एलियंस के लिए अब जो है इसके अंडर राइट्स एक शख्स का राइट है कि वो उसको तीन महीने से ज़्यादा डिटेन नहीं किया जा सकता है और अगर वो किसी को डिटेन किया जाता है उसके ग्राउंड सब डिटेंशन उसको जरूरी कम्यूनिट करम्यूनिकेट करने, करने होते हैं और तीसरा जो है उसको रिप्रेजेंटेशन उसको आ, उसको अपॉर्चुनिटी दी जानी चाहिए कि वो अपने इस ऑर्डर के खिलाफ रिप्रेजेंटेशन किसी कोर्ट में दे अब जो इस जो, जो मैंने ट्रिक्स आपको मेमोराइज़ करने के लिए दी है वो आप यहाँ पे आराम से के मेमोराइज कर कर सकते हैं ये इनको इनको याद रख के आप पूरे जो पूरा आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम है उसको आराम से याद रख सकते हैं आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ के हम आ, आ, ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है और नेक्स्ट वीडियो पे हम और भी इसे आगे जो पेंडिंग आर्टिकल्स हैं उनको डील करते हैं ये आ, आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया